तो दोस्तों कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि हाल ही में कंपनी का जो आईपीओ है वो आपको लिस्ट होता हुआ देखने मिला था। आई थिंक दो हफ्ते हुए कंपनी के आईपीओ को लिस्ट होता हुआ। तो देखा जाए तो कंपनी की तरफ से ये कंपनी का पहला रिजल्ट है, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा लाख में मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझा रहा हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 212 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 188 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो अभी कंपनी का रेवेन्यू 222 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं वहाँ पर 18 से 19% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही ऑलमोस्ट 5% के आसपास की तेजी है। तो कह सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो यहीं से कंपनी का जनरेट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 197 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 176 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 204 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर भी देखें तो साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है उसके अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 178 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 147 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 182 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से आपको ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिले। क्यों हुआ है ये खर्चा, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को थोड़े से इंटरेस्ट एक्सपांड अगर देखेंगे तो वहाँ पर कंपनी का पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिले। यहाँ पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 30% कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपांड है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिले, जबकि कंपनी का इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको उस परसेंटेज में आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला। तो उसकी वजह से कंपनी की जो एक खर्चे हैं थोड़े से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन देख लेते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो प्रोविजन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन के रूप में अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1.7 करोड़ के आसपास का कंपनी ने प्रोविजन खर्च किए थे, पिछले साल 3.8 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 1.6 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको साल दर साल 50% कम होता हुआ देखने मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 24 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 28 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 29 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी के प्रोविजन कम होने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा आपको बैलेंस होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि प्रोविजन अगर कम नहीं होता साल दर साल तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए कंपनी के नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6.85, पिछले साल 8.25, अभी देखें तो 7.92 के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का ईपीएस आपको हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है, जब इस क्वार्टर क्वार्टर देखें तो बढ़ता हुआ भी देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 2.73 के आसपास था, पिछले साल 2.96, अभी देखें तो 2.97 के आसपास। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए हल्का सा बढ़ा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, कोई दिक्कत नहीं, इतना मैनेज किया जा सकता था। लेकिन जब क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए वो आपको बढ़ता हुआ देखने को, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था। ग्रॉस एनपीए बढ़ना बिल्कुल मतलब किसी भी बैंक के लिए थोड़ा सा निगेटिव होता है। नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट एनपीए 1.60 के आसपास था, अभी देखें तो 1.53 है, जो कि एक अच्छी बात है, साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन पिछले क्वार्टर में देखें तो 1.36 के आसपास था। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का नेट एनपीए जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को। तो यहाँ पर कंपनी के थ्रू देखा जाए तो थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिला है, क्योंकि नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए देखें तो क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल के नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए रेवेन्यू वाइज कंपनी ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, रेवेन्यू कंपनी का इंटरेस्ट इनकम सारा कुछ आपको बेहतर आपको देखने को मिला है क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों। लेकिन एक जगह पे कंपनी थोड़ा मार खाती हुई आपको देखने को मिले, वह है कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से एवरेज टाइप के नंबर आपको देखने को मिले, देखते हैं मार्केट कैसे एड करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।